अब क्या लग रहा था ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की राइवलरी तो है लेकिन ये फाइनल में पहुंचेंगे ये उम्मीद थी किसी को? देखे एक क्रिकेट को एक इंग्लिश की टर्म में यूज करूंगा, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी जी। तो आप ये जो है ना ये एक बहुत ही वैसी बात है, आप चार टीमें पिक करेंगे उनमें से एक पिक करें, क्योंकि इस वक्त चैंपियन बनने की लायक तकरीबन छह टीम है दुनिया में जी। तो हम दो टीमों को पिक करें आउट ऑफ सिक्स इम्पॉसिबल है, लेकिन जो 2020 एक ऐसा गेम है जो उस दिन जो परफॉर्मेंस पहले क्या कर रहा था, एक साल पहले क्या कर रहा था, डजंट मैटर। आपका उस टूर्नामेंट में जैसे पाकिस्तान ने इंडिया से स्टार्ट लिया, जस्ट इमेजिन करें अगर हम वो मैच हार जाते तो आज कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो वो मेरा कहना कि गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये है बात, मतलब कि शरीफ मोहन साहब आप बताइएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या कहीं किसी कोने में कोई 1% सोचा था कि ये टीम फाइनल खेल रही होंगी? ऑस्ट्रेलिया के लिए तो था, लेकिन इन दोनों का तो हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब अगर आप ये देखें इस वक्त जो दोनों टीमें हैं, आप कोई कुछ नहीं कह सकता 19-20 सर अभी तो मतलब अभी हम करेंगे एनालिसिस, अभी उनका डाइसेक्शन हम करेंगे, पूरी सर्जरी करेंगे। अगर एक ये रहेगा कि एक नई टीम जो है वो विनर होगी इस टूर्नामेंट की, दोनों नहीं बिल्कुल बहुत दुनिया को एक नया चैंपियन तो मिलेगा जी। लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच से 12 घंटे पहले मैंने ही कहा था न्यूजीलैंड जीतेगी। अच्छा, और इसलिए कहा था कि न्यूजीलैंड का जो 2 साल का 2.5 साल का रिकॉर्ड है ना, आप वो देखें जरा जी। हम वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हैं, ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, ये दोनों फॉर्मेट में अपनी सलाहियतों को भरपूर तौर पर दिखाया है जी। फिर मेंटली इतने स्ट्रांग है वो कि बड़े से बड़े प्रेशर में जो है ना वो अपने आप को बचा लेते हैं जी। और खासकर उसका जो कप्तान है केन विलियमसन जो है ना वो वेरी कूल कस्टमर है, वेरी कूल कस्टमर। अब देखिए तलाश होती है जी कि ऐसा कप्तान इतना ठंडा और गेम प्लानर और बर चेंजिंग करने वाला, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बर वक्त चेंज नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, और यही हमें नुकसान देता है। अगर फखर आखिर में 20 रन तेज नहीं बनाते तो आज हम फखर के लिए क्या कह रहे होते हैं? वही कह रहे थे जो असल में निकले कह रहे किसको क्यों नहीं बनाया। I was worried when जो विलियमसन जब आउट हुआ ना उसमें ना मैंने कहा यार ये शॉट भी उसने सिली खेली, वो जिन वाली जो शॉट है उसके लेवल की शॉट ही नहीं थे ना। मैंने कहा यार ये तो खड़ा होता है बाय एग्जांपल खड़ा होता है और गाइड लेके जाता है, उनको लीड कर रहा होता है, कम होता है ये, कम होता है लेके चलते हैं डिस्पाइट ऑफ डैश। इतनी बड़ी विकेट उनकी गिरी है उन्होंने, फिर दोनों बड़ी विकेट है, मार्टिन गप्टिल आउट हो गया था फिर केन विलियमसन तेरा रन पे तो देखिए ना बहुत से लोग तो टीम कर गए थे। हमारे मैचों की पॉलिसी ये थी कि टॉप फोर फोरन आउट हो रहे थे, लेकिन पांचवे मैच में पॉलिसी क्या आई, छठे मैच में पॉलिसी क्या आई कि अपनी विकेट बचाओ थोड़ा सा, जब आउट हो गए तो उन्होंने अपने बचाया और वो विकेट बचाने ही उनके काम आए, फिर एंड में जाके उन्होंने मैच को फिनिश किया। अगर वही उनकी रहती तो प्लान बी पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो आप सोचे कि अभी न्यूजीलैंड के यहाँ होता। एक्चुअली दो चीजें इस टूर्नामेंट में बहुत अहम रही हैं, पहले 6 ओवर और आखिरी के 5 ओवर, अगर आप ये पूरे उसमें देखा जाए। और वो जो न्यूजीलैंड की उसकी ना पिच 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 वाली दो उसकी पेस की थी, कुछ में ग्रीन पैच थे और कुछ में बॉल बहुत बाउंस कर रहा था, स्विंग हो रहा था, बॉल गुप्तल वगैरह जाए बॉल हिल रहा था, आउट स्विंग बॉल वो ग्रीन पिच पे पड़ता था तो उसके बाद वो होता था। तो ये अहम फैक्टर है। अब आप ये देखें आपने 6 ओवर में अगर रन कर दिए 50-60 उस पर कर दिए तो आपके जो मिडिल ऑर्डर है ना वो प्रेशर से निकल जाता है। आखिरी ओवर में विकेट ईज आउट हुए थे कि डू का फैक्टर भी रहा पूरे उसमें ना, तो उस ईज आउट को सारी टीमों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे टूर्नामेंट में उसको 5 ओवर में अगर आप देखें अगर पाकिस्तान ने भी उठाया जी बिल्कुल। क्या लग रहा है न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह फाइनल जीत के पहुंची है, पूरा टूर्नामेंट खेल के पहुंची हुई है, और जिस तरह सर ने बात की कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वो विनर है, वर्ल्ड कप फाइनल वर्ल्ड कप में मैं तो मेरे हिसाब से तो वो हारे नहीं थे, जो वो ट्रॉफी उनसे बस ट्रॉफी नहीं है उनके पास, बाकी वो तकरीबन विनर ही थे। T20 के अंदर फाइनल में पहुंच गए और कोई इन तीनों टूर्नामेंट में शुरू होने से पहले कोई भी ये नहीं कह रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो सेमीफाइनल। ये सब चीजें बड़ी डिपेंड करती है फिर उनकी फील्डिंग, उसके एंथुसिएज्म उनकी उसमें कि हर चीज में फील्डिंग में देखें कितना सेव करते हैं वो, रन्स कितने सेव करते हैं, मगर ये भी जहां तक वो फील्डिंग में अच्छे हैं तो ये भी फील्डिंग में कम नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाले। ये भी ये बताने पाकिस्तान के खिलाफ कैच छोड़े उन्होंने, 3 कैच छोड़े
मगर वो टाइम का वक्त होता है, जब वो छोड़े थे उन्होंने कवर कर लिया, इधर जो छोड़ा कैच कवर नहीं, 10-12 साल कवर नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती शाइन की थी, देखे ना बैट्समैन तो उसको दिखा रहा था नीचे साइड कि मैंने ये शॉट खेला है। देखिए फास्ट बॉलर आज के दौर में वो कामयाब है जिसकी ऐसा फास्ट बॉलर को गुड़ दिया गया कि जैसे हम कहते हैं जी हमने किया जी। तो मैं समझता हूँ ये जो हुनर है, आर्ट है, ये आर्ट है, इस पर स्ट्रिक्ट काम होना चाहिए, अपने बॉलर्स को इस पर ट्रेनिंग करानी चाहिए कि भाई जब इतना ज्यादा प्रेशर है तो तुम्हारा चेंज ऑफ पेस क्या होना चाहिए और कितनी स्पीड को कम होनी चाहिए। बड़ी मजेदार मैं बात बताऊँ, हमारे इवन रिचर्ड को हमारा एक टेस्ट प्लेयर बल्कि हमारा मल्लेदार भी हो रहा है दोस्त भी हमारा राशिद, उसने विवन रिचर्ड को नेशनल स्टेडियम में ऐसे ही आउट किया क्योंकि हम खेलते थे साथ खेलते थे तो वो ऑफ ब्रेक तेज ऑफ ब्रेक भी कर देता था, कहां आप स्विंग कर रहे हैं बॉल इन स्विंग कर रहे हैं, कहां आप ऑफ ब्रेक कर रहे हैं, तो टाइमिंग का फर्क पड़ जाता है। तो ये भी कराची की आजाद है, ये भी मैं आपको बता दूं कराची के अच्छा। बल्लों की ये आजाद है, ये पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें दूसरा हमने दिया एक तरह से क्रिकेट वो कराची की आजाद पाकिस्तान में शुरू हुई है, एक तरफ फास्ट बॉलर और नई बॉल से और एक तरफ स्पिन नए बॉल से। ऑस्ट्रेलिया अच्छा न्यूजीलैंड के ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम और हम पाकिस्तान की भी कोताहियां बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खेलने में भी कोई कमी नहीं थी, आगे जिस तरह से अटैक किया था ऐसा अटैक किसी और टीम ने हमारे खिलाफ इस तरह किया नहीं था, हालांकि उनकी विकेट गिर रही थी लेकिन वो लगा हुआ था एक तरफ से। अब आपने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो जरा एक चीज नोट करें, हम लोग ज्यादातर फोकस रखा है कि लास्ट में जो शाहीन आफरीदी को जो मार पड़ी वो तो सही है बिल्कुल, लेकिन जरा आप पीछे जाएं, 5 विकेट कितने पे आउट थी 93 पे 5, अब ये 80 रन जो बने तो वहां पर हमने 1-2 विकेट लेने थे लेकिन हमारे प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि रिलैक्स हो गए, हम मैच जीत चुके, हम मैच जीत गए, अब ये गए कि हम शायद इनको इनका रन रेट इतना हाई हो जाएगा 12 जो डिफेंड है मैं 93 के बाद से लाइक 130 के दरमियान 2 विकेट और गिरती तो 7 विकेट हो जाती, फिर नीचे वाले कहां उस वक्त अगर थोड़ा प्रेशर डालते अपने बेस्ट बॉलर को ले आते वहां पे शादाब खान तो 4 विकेट ले चुका था ऑलरेडी। अच्छा फिर साथ में न्यूजीलैंड की थोड़ी आप भी देखें, बहुत ही छोटी 35 लाख की आबादी है जी जी। और आप ये देखें कि क्रिकेट से तो जाने माने जाते हैं लेकिन 1976 ओलंपिक भी वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो वो एक स्पोर्टिंग नेशन है। और आप भी देखें अभी हमने गिना कि 2020 में अब आ गए फाइनल में, पिछला 2019 में फिर चैंपियन, तो ये एक नेशन है भाई, इसकी बैड लक थोड़ी सी है कि इस मुल्क की आबादी बहुत कम है, अगर इसकी ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी कम होते हुए भी वो इतना मतलब वो आते हैं खामोशी से चले जाते हैं हारते हैं चले जाते हैं कोई शोर नहीं कुछ नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखें उन्हीं के बराबर में पड़ोसी है 4 करोड़ की तकरीबन आबादी है, तो अलग ही नेशन है, कितना बड़ा अचीवमेंट बहुत है न्यूजीलैंड लेकिन बहुत छोटा। पिछले 5 साल अभी अपने पिछले 5 साल के हम परफॉर्मेंस देखे हैं तो न्यूजीलैंड ने सबको हैरान किया और इतने कम आबादी होने के बावजूद वो फाइनल में पहुंचना, एक फाइनल जीतना, एक फाइनल में हारना नहीं बस बराबर और बाउंड्री काउंट पे हारना। एक चीज देखें हमेशा इनके पास जो दुनिया में सबसे जो टेक्निकल साउंड बैट्समैन होता है वो इनके पास होता है, इससे पहले मार्टिन को नंबर 1 कहते थे कि जिसकी टेक्निक, और आज हेडली को बड़े 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 प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हार और जीत का ताल्लुक आबादी से नहीं, खिलाड़ियों में टैलेंट है उससे है, स्किल है उसकी ग्रूमिंग से। न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो पूल है उस पूल पे हर एज का एक सिस्टम बना हुआ है और यही ऑस्ट्रेलिया में है, एज वाइज डेवलपमेंट सिस्टम की बुनियाद पर ये टीमें चल रही हैं, हमारे यहाँ ओवर एज सिस्टम पे चल रही है। जब 34 साल और 35 साल और 38 साल में आप डेब्यू कराओगे तो फिर आप फ्यूचर प्लान आपका कमजोर होगा। ये बिल्कुल सेमीफाइनल प्रोग्राम में फयाज नाइट जो थे उन्होंने भी यही बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, मतलब अगर कभी इनकी टीम में 1 साल लो जाती भी दिखेगी ना तो 2 साल बाद वो दोबारा से टॉप पे आती है। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल सामने है जी, ऑस्ट्रेलिया हो गया ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग 7 थी। देखिए ये सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया की, ये तो पिचेस जो है ना ये तो पिचेस हमें शूट करती हैं और यही बात सर है पाकिस्तान 12 बांग्लादेश 12 श्रीलंका 12
उन्होंने एडजस्ट किया, उन्होंने आ रही है। देखे ना इन पिचेस पे और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस इंग्लैंड की पिचेस में इन्होंने एडजस्ट किया ना, तीन एडजस्ट कर लिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कहां पे यूपी पे। अच्छा ज़ाम्पा आप देखें उनके और सोडी आप देखें आप जो लेग ब्रेक उन्होंने मैं समझ ज़ाम्पा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, मैं देख रहा था उसको वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इतनी लाइन ऑन लाइन से बॉलिंग कर रहा था, आपको डिफिकल्टी हो रही थी, चार ओवर रिजवान को बाबर आउट भी कर दिया। आप देखे ना लड़के निकाले जो कह रहे हैं जी बिल्कुल सिस्टम जो मुल्क में सिस्टम क्रिकेटिंग सिस्टम मजबूत हुआ उनमें है कि उनकी अप्रोच ऑस्ट्रेलियन जो लोग ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलियन लोग वैसे भी उनको माना जाता है वो बड़े से हार्श और ब्रैश किस्म के होते हैं, बुलिंग करना स्लजिंग करना जाके या उनके साथ इंसिडेंट भी होते हैं बॉल टेम्परिंग वगैरह के इश्यूज भी हुए हैं उनके साथ। ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड जो है उनके साथ हमें कभी वो नाइस गाइस कहलाते हैं क्रिकेट के अंदर ना, वो जैसे हम पिछले मैच की मिसाल ले लें अगर हम हफीज का बॉल जो था उसके हाथ से स्लिप हो गया दो टप्पे खाया वार्नर ने जाकर उसको छक्का मारा, हालांकि ठीक वो स्पोर्ट्समैनशिप अगर हम देखें उसमें लॉस के साथ उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन अगर यहीं पे न्यूजीलैंड का प्लेयर होता वो कभी भी इस किस्म का काम नहीं करता, कहता हाथ से निकल गया मैं नहीं खेलूंगा। कॉर्टनी वाश का याद करें 1987 का वर्ल्ड कप देखे उसे अब्दुल कादिर को चाहता आउट कर देता नहीं सर, इस टूर्नामेंट में देख लें उसने शॉट मारी और डैरिल मिचेल ने सिंगल लेने से मना कर दिया क्योंकि टकरा गया था, उसने कहा नहीं, हालांकि ऐसा भी नहीं था कि न्यूजीलैंड मैच जीता हुआ था, मैच फंसा हुआ था उस टाइम पे, उसने एक बॉल जाया जाने दी, उसने ये काम नहीं किया। गौतम गंभीर ने भी उसके ऊपर बड़े कमेंट किए, जी जी गौतम गंभीर का कमेंट है, अश्विन ने कमेंट किया है और भी बहुत से लोग जिसे आप कुछ कह रहे देख रहे क्रिकेट को इसलिए जेंटलमैन का गेम कहा जाता है कि वहां पर सब्र और तहम्मुल बहुत ज्यादा है और एक दूसरे का ख्याल किया जाता है। आपको इमरान खान का एक वाकया याद होगा, आई थिंक बड़ा मैच था वर्ल्ड कप का कुछ था, तो वो इंग्लैंड का प्लेयर था शायद कि वो आउट हुआ था इंडिया का, वो आउट हुआ था श्रीकांत और श्रीकांत खौफजदा भी थे वसीम से। अच्छा तो लेकिन इमरान ने उसको दोबारा बैटिंग कराई, जी जी इमरान ने उसको दोबारा खुद बुलाया एम्पायर से, कहा कि नहीं जी मैं इनका आउट नहीं कर रहा, मैं इनको चांस दे रहा हूँ दोबारा खेले। तो ये हमारे क्रिकेटर्स के दरमियान एक पॉजिटिव चीज है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो इन दोनों की अप्रोच में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, टीमों में डिफरेंट देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन टीम में बड़े नाम है, न्यूजीलैंड की टीम में शायद नाम उतने बड़े नहीं लेकिन वो एज अ टीम जैसे खेलते हैं क्योंकि है तो ये टीम गेम ना। शेयर अभी तो दोनों जेल हो गए ना, दोनों एक ही मैरिट पे आ गए ना, तो अब ये जनाब 19 ओवर का मैच मैं बात को मैच 19 ओवर बोल रहा था, मैं बात को लेके आना चाह रहा था कि दोनों टीमें अप्रोचेस डिफरेंट है लेकिन अगर हम उनको कहते हैं ना उनको वजन करें दोनों का तो फिलहाल बराबर दिख रही है। फाइनल के अंदर किसी एक टीम को अगर एज देना हो तो आप चारों में से, मैं अभी प्रेडिक्शन ले रहा हूं, जो आज शाम का जो मैच है उस मैच में किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? शमी मनोहर साहब आपसे शुरू करेंगे। देखें इसमें वाकई बहुत मुश्किल सवाल है ये कि कौन होगा, इसलिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी टीम को उनको हरा के वो लोग फाइनल में पहुंचे हैं। दिल की बात तो होती है ना थोड़ी, पहले बता दें घर वाले कुछ नहीं कहेंगे और ठीक है अब, मगर मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वैज दे रहे हैं आप ताहिर सलीम साहब। एक्चुअली मैं भी दे ऑस्ट्रेलिया को एज रहा हूँ लेकिन बात यह है कि मैं दोबारा वो रिपीट करता हूँ, न्यूजीलैंड इज अ वेरी हार्ड मेरा मुझे एज लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को इस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों दोनों ऑस्ट्रेलिया वाले हो गए यहाँ पे, मतलब आप ये देखिए न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड को फिर से अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। मैं रूल आउट न्यूजीलैंड को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड को रूल आउट नहीं कर रहा, द वे दे आर प्लेइंग पूरा टूर्नामेंट वो नीचे से उनका कहीं आता पता नहीं था, और फाइनल जो क्रिकेट उन्होंने खेली है और पर्टिकुलर उनकी फील्डिंग है वो हाफ चांस को भी फुल चांस बना लेते हैं, तो और लेकिन फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया वाइज दे रहे हैं। मैं फिर भी उस चले 45-55 ठीक है ठीक है 45-55 आप भी ऑस्ट्रेलिया पे, आप सर कितना परसेंट देंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ? मैं तो फिर जाता हूँ थ्रू आउट। अच्छा मतलब इतना सवाल नहीं होता। जावेद खान साहब क्या कह रहे हैं न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? देखिए न्यूजीलैंड की टीम को मैं ये समझता हूँ बड़ी मासूम टीम है। अच्छा मासूमियत के उसमें हम उनको
बहुत मरतबा हमने अंडरएस्टिमेट किया है। आप याद कर ले भाई 2019 का ओडीआई, तो मैं इस दफा न्यूजीलैंड को देख रहा हूँ। गुड सर, क्या लग रहा है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया? जिस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल रही है, जी के इनके कप्तानों को देखें, रिकी पोंटिंग को देखें या स्टीव वॉक को देखें, तो इन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं और एक नया अपने टीम को, अपने मुल्क को एक ट्रेंड दिया है इन्होंने, और उनके क्रिकेट को उन्होंने रिवाइवल में उनका बड़ा रोल है। लेकिन न्यूजीलैंड की जो 2.5 साल परफॉर्मेंस है उस पर लाजिम हो गया है कि वो फाइनल जीते, तो मैं न्यूजीलैंड की बात हूँ। आप भी न्यूजीलैंड? ये चीज देख के मुझे मजा आता है, दो इधर ऑस्ट्रेलिया दो इधर न्यूजीलैंड है। सेटिंग में की फिक्स नहीं है, एक मैच आपको फास्ट बॉलर ना दोनों के पास आते हैं, सऊदी भी अड्डा उधर फास्ट बॉलर, लेकिन लेग ब्रेकर भी बड़ा वाइटर लोग अदा को, ये दोनों लेग ब्रेकर ना वाइटर लोग अदा करेंगे। फाइनल टाइम जो रात जो जेल मैच खत्म, जो पोटा जॉइन कर पैंती होस्ट दिन इजाजत।